भगवान के एक बहुत ही महान भक्त हुआ करते थे, है ना। वो दिल्ली में एक टेलर थे, दर्जी का काम किया करते थे, और दर्जी का काम भी करते थे पर भगवान जगन्नाथ में बहुत आसक्ति है। जो भी काम करते हैं स्मरण किसका रहता है? भगवान का रहता है, हमेशा स्मरण भगवान का है उनको, और किसी चीज़ से लेना देना नहीं। काम आता है काम करते हैं, और बाकी अपने भगवान की सेवा है। पर उनका काम एकदम परफेक्ट होता है, जो भी काम करते हैं वो ऐसे ही काम होता है कि चक चक बिल्कुल जो करेंगे एक नंबर ही करेंगे। तो राजा को पता चलता है कि ये दर्जी दिल्ली का उस समय राजा हुआ करता था। तो जब राजा को पता चलता है कि ये टेलर इतना हाई क्लास है, तो राजा बोलते हैं मेरे लिए तुम दो तकिया बनाओ। और वो तकिए कैसे होना चाहिए? उन पे सोने की जरदोजरी होना चाहिए, सोने की कढ़ाई होनी चाहिए। उसको सारा माल अवेलेबल कराते हैं, और उसमें हीरे के नग लगे होने हो, यानी हीरे सेट हो जाए होना चाहिए उस कढ़ाई के अंदर, है ना। तो ऐसे स्पेशल तकिया बनाओ। तो इनको सारा मटेरियल देते हैं। तो जब ये जो भक्त रहते हैं ये देखते हैं, बोलते हैं ये सारी हाई क्वालिटी चीज़ ये तो मेरे जगन्नाथ के लिए होना चाहिए, इनके लिए कैसे? एक साधारण मनुष्य ऐसी चीज़ कैसे उपयोग कर सकता है? इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ तो मेरे जगन्नाथ को उपयोग होनी चाहिए। तो बोलते हैं पर क्या कर सकते हैं, राजा का आदेश है तो आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, है ना। आदेश का पालन नहीं करेंगे तो राजा दंडित करेगा। तो वो तकिया बना रहे हैं, पर ख्याल किसका है? जगन्नाथ का है, है ना। तो हमेशा जगन्नाथ के बारे में ही सोच रहे हैं, तकिया बना रहे हैं। तो उस समय रथ यात्रा का समय था, कहाँ पे? पुरी में। और जब भगवान की रथ यात्रा होती है तो क्या करते हैं? आप लोगों को जब टीवी में देखा होगा, भगवान को क्या करते हैं? उठा नहीं सकते आप, भगवान इतने भारी हैं। तो भगवान क्या क्या खींचते हैं रस्सियों से। जब खींचते हैं तो नीचे क्या होना चाहिए? नरम होना चाहिए एरिया। तो अगर तकिया रखते हैं, जब तकिया रखते हैं तो फूटता है एक तकिया, है ना, और वो पूरे में रोई रोई हो जाती है ना। एक तकिया होता है, फिर दूसरा तकिया आता है, ऐसे ऐसे करके करते 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 जगन्नाथ को रथ में लाया जाता है, खींच खींच के लाया जाता है। तो यहाँ पे उनको स्मरण हो रहा है कि काश ये सुंदर तकिए जगन्नाथ उपयोग कर सकते हैं, है ना, काश जगन्नाथ के लिए। पर ये दिल्ली में, और रथ यात्रा कहाँ हो रही? पुरी में, है ना। ट्रेन से भी जाएं तो कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे से ज़्यादा ही है, संभव नहीं है जाना। तो उनको भगवान काश उपयोग कर सकते तो कितना अच्छा होता। तो तक ये रेडी हो गया, उनके पास रखें, चले ठीक है। और मन में विचार चल रहा है, और मन में सोच रहे हैं कि ये तकिया जगन्नाथ जी के पास चला गया, और जगन्नाथ जी इस तकिए के ऊपर चढ़ गए। तो उनने जैसे ही सोचा और उस लीला का स्मरण किया, और ऐसे ही सोचा कि अब भगवान रथ पे चढ़ गए। उनने सोचा, और जब वो अपने ध्यान से निकलते हैं तो एक तकिया गायब। तो यहाँ पे ये है और उनका एक तकिया गायब। तो थोड़ा सा टेंशन हुआ कि अब राजा आएगा और उसको तकिया नहीं मिला तो राजा तो क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उस समय के राजा बहुत खड़ूस होते थे, है ना। यानी छोटी सी बात पे ही आपको फांसी की सज़ा, मरने की सज़ा दे देते थे। तो राजा को पता चला कि एक तो है कि उस, यानी राजा की डिलीवरी का समय आ गया। अमेज़न पे डिलीवरी का टाइम आ जाता ना, 6 तारीख को बुकिंग दिया तो क्या 9th को डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे राजा के यहाँ डिलीवरी का टाइम आ गया। तो जब डिलीवरी का टाइम आ गया तो गए, तो जब लेने आए जो मंत्री लोग सामान देने गए थे, तो तकिया क्या है? एक है, एक तकिया गायब है। तो राजा बुलाते हैं दर्जी को, बोले तुम्हारे लिए दो तकिया बनाने दिए थे, एक गायब है, एक कहाँ? तो दर्जी ने दिल खोल के सारी कहानी बता दी कि देखिए मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, और ये रथ यात्रा का समय है, तो मैं भगवान का स्मरण कर रहा था कि रथ यात्रा के समय काश इतना सुंदर तकिया जगन्नाथ के लिए हो पाता तो कितना अच्छा नहीं रहता। तो बोले ऐसे मैंने स्वीकार किया, और मैंने आँख बंद की और तकिया गायब हो गया। तो राजा बोलता है तुम मक्कार आदमी हैं,
कहीं किसी को इतना तुम्हें कीमती सामान दिया, तुमने किसी को बेच दिया होगा। तो बोले नहीं, नीलाचल है, वहाँ जगन्नाथ हैं, दारू ब्रह्म के रूप में होते हैं, हर साल रथ यात्रा होती, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो राजा बोलते यहाँ से नीलाचल जाने में ही एक दिन से दो दिन लग जाएंगे, कैसे कोई एक दिन में ध्यान से तकिया गायब हो जाएगा। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, देखो एक तो तुमने चोरी की और तुम झूठ बोल रहे हो। बोले अब तुम्हारी फांसी की सजा देंगे तुम्हारे लिए, एक एक छोटी सी तकिया की बात है और क्या कर रहे हैं, फांसी की सजा सुना दे। और डाल के बोले इसको आज रात में कहाँ डाल दो, कारागार में डाल दो। तो कारागार में भक्त बंद है। बोले ठीक है, भगवान की इच्छा है, मरना होगा तो मर जाएंगे, जगन्नाथ को बचाना होगा तो बचा लेंगे। तो कारागार में है और ऐसे रोते रोते उनकी नींद लग जाती है। तो जब नींद लग जाती है तो जगन्नाथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जेल में जगन्नाथ गए अपने भक्त से मिलने के लिए। तो जब जगन्नाथ जेल में पहुँचते हैं तो जगन्नाथ बोलते हैं देखो क्या हुआ, इतनी मायूस क्यों। तो बोले भगवान मैंने तो आपके लिए ही सब कुछ करता हूँ और मुझे दुख नहीं है, वो मुझे मानना चाहे तो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। जगन्नाथ बोलते हैं तुम्हारे मेरे प्रति इतना समर्पण है, इतना प्रेम है कि तुम्हारा कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता, देखता हूँ वो राजा को मैं, है ना। बोले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, पूरा मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तो भगवान ने आश्वासन दे के भगवान अप्रकट वहाँ से हो जाते हैं। अब राजा अपने महल में सो रहा है, तो राजा महल में सो रहा है तो भगवान उसके सपने में आते हैं और बोले देखो वो मेरा भक्त है, मेरे लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है और तुम एक तकिए के लिए उसके लिए फांसी की सजा तुमने सुना दी, इतना साहस। और कोड़ा लेके पीटते हैं उस राजा को, इतना पीटा कि वो राजा एकदम से सपने से बाहर निकलता है। और सपने से बाहर जब निकलता है तो उसके पीठ पे निशान है सारे के सारे। तो उसको ये और भगवान बोलते हैं सपने में, ये भी बोलते हैं देखो वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, ससम्मान उसको जेल से बाहर निकालो, हाथी पे बिठाओ, पूरा प्रोसेशन करो और इसको अपना कुल पुरोहित बनाओ, है ना। तो वो जाते हैं, उनको रियलाइज़ होती है अपनी गलती, उनसे माफ़ी मांगते हैं भक्त से पास जाके और उनको उस दिन से अपना राज पुरोहित घोषित कर देते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ, देखिए अपने भक्त के लिए भगवान यानी हर तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। पर ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए ना, है कि भगवान सच में हमारी रक्षा करेंगे। कि और भी ऐसी कई घटनाएं हैं, 5 मिनट सवाल चला हाँ। तो ऐसे जगन्नाथ लीलाएं तो बहुत हैं, कौन सी सुनाऊं जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगे। देखिए हाँ अच्छा, कटहल वाली कथा, कटहल की किस स्टोरी किस किस को पता है। अच्छा वो ही मैं सोचा था सुनाने। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र थे ना कृष्ण, तो यहाँ के राजा कौन थे, राजा प्रताप रुद्र। तो राजा बहुत यशस्वी हैं, राजा मतलब पूरा शासन, उत्कल क्षेत्र का पूरा शासन संभालते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत में कांची नाम की एक जगह है, तो कांची राजा की एक पुत्री थी। तो राजा की एक ही बेटी है, तो राजा को क्या चाहिए, एक सुयोग्य वर चाहिए अपनी कन्या के लिए। तो सुयोग्य वर की तलाश में पूरा भारत भ्रमण करते हैं, है ना, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा
तो मेरी कन्या के लिए सबसे उपयुक्त वर होगा। तो वो इस तरह खोजते 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 कहाँ पहुँचते हैं, पुरी पहुँचते हैं। तो जब पुरी जगन्नाथपुरी आते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं, बताते नहीं हैं, तो देखते हैं राजा का वैभव कितना है और सब कुछ। तो जब वो लोग ये सब दृश्य देख रहे हैं और इन सब चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पाते हैं कि राजा तो सच में बड़ा भक्त राजा है और बड़ा ही यशस्वी है, बड़ा ही धन है, अपार है। तो वो क्या करते हैं, तो डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने राजा के पास जाएंगे और राजा को खबर देंगे कि उत्कल क्षेत्र के राजा प्रताप रुद्र ही आपके लिए सर्वोत्तम वर हैं। डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो ये क्या करते हैं, एक अपनी अंगूठी जाके किसको दे देते हैं, प्रताप रुद्र राजा के पास जाते हैं कि हमारी उत्कल यानी कांची के राजा हैं, वो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में हैं, तो आपसे ज़्यादा सुयोग्य कोई नहीं हो सकता। तो बोले अरे राजा को एक बार हमसे हमारे पास आइए मिलने। तो बोले नहीं नहीं मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया, हम राजा को बोल देंगे तो हो जाएगा काम। तो ऐसे क्या होती हैं, रोका हो गया, अंगूठी दे दी रोका हो गया। तो रथ यात्रा का तो राजा के पास तो हमने तो बोल दिया, तो बोले ठीक है हम जा रहे हैं, अब अपने राजा को बता देंगे और हम विवाह की तैयारी कीजिए। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है कुछ दिन इंतज़ार करो, रथ यात्रा होने वाली है, एक बार रथ यात्रा देख के जाओ। तो बोलते हैं ठीक है हम रथ यात्रा देख के जाते हैं। तो रथ यात्रा होती है और बहुत ही भव्य तरीके से जगन्नाथ को लाया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। बोले जब जगन्नाथ रथ में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है ना, साक्षात देवी देवता हैं, सारे लोग भगवान का रथ खींचने के लिए आते हैं है ना। कहाँ से इतनी जनता आती है और कहाँ चली जाती है कुछ भी नहीं कोई कह सकता। ये जो ग्रैंड रोड पे हम जाते हैं ना, देखते हैं ना कितना चौड़ा रोड है, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी है ना। और जो लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं वो इवन जब हम लोग कल ऊपर छत पे सो रहे थे तो उसने क्या बोला, ऊपर सोने नहीं देंगे, क्यों ये फ्लोर आपका नहीं है। छत किसका फ्लोर है भाई, है ना, छत पे तो नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे छतें भी बुक होती हैं उस समय, समझ रहे हैं। जगन्नाथ में इतना लोग किसी भी तरीके से पुरी में रहना चाहते हैं, पर कितनी भी जनता इकट्ठी कर लो इतनी जनता हो ही नहीं सकती नॉर्मली, यानी संभव ही नहीं है कि इतना लोग कहाँ से आता है। तो सारे ब्रह्मांड के लोग आते हैं भगवान के रथ खींचने के लिए है ना। यानी जगन्नाथ केवल उड़िया के नाथ नहीं, पृथ्वी के नाथ, जगत के नाथ हैं, एक ब्रह्मांड के लोग नहीं दूसरे ब्रह्मांड, जगत के ब्रह्मांड के लोग आ रहे हैं भगवान का रथ खींच रहे हैं। तो भगवान जब रथ पे चढ़ चुके हैं तो जब भगवान को आगे बढ़ना है तो क्या होता है, पहले रोड पे झाड़ू मारा जाता है, और झाड़ू कौन मारता है, राजा मारता है। राजा सोने का झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे हैं, राजा के लिए आनंद का काम है, मैं जगत के नाथ जगन्नाथ की सेवा कर रहा हूँ। पर जो मैरिज फिक्स करने वाले जो मंत्री लोग आए थे वो देखते हैं, बोले राजा झाड़ू मारता है, हमारे कांची की राजा की पुत्री एक भंगी से शादी करेंगे क्या हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बोले ये रिश्ता तो नहीं हो सकता, तो राजा को बताया ही नहीं और क्या चले गए, वापस चले गए कांची। तो कांची में जाके कांची के लोगों को बताते हैं कि देखिए हमने, यानी राजा को खबर देते हैं, देखिए प्रताप रुद्र राजा हैं, बहुत महान बहुत यशस्वी राजा हैं, परंतु जब जगन्नाथ का रथ चलता है तो वो झाड़ू लगाता है। तो कांची का राजा बोलता है कि भाई ऐसे आदमी को हम अपनी लड़की नहीं दे सकते, भले नहीं होगा, भले वहाँ भी कोई संदेश मत भेजो, शादी कैंसिल, रोका कैंसिल, मांगनी अंगनी नहीं हुई, तो कैंसिल कर देते हैं। तो राजा को
एक महीने हो गया कोई संदेश ही नहीं आ रहा, तो क्या करें? बोल चलो हम चलते हैं। तो जब राजा जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, भाई मैरिज कैंसिल। बोले कैसे मैरिज कैंसिल, हमने तो बोला नहीं था, आपके लोग ही आए और रोका करके गए। तो बोलते हैं ऐसा कैसे? तो राजा बोले जो भी हो शादी नहीं होगी। तो ये प्रताप रुद्र बोले शादी नहीं होगी तो युद्ध होगा। हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, आपने रोका करके गए, हमें अंगूठी दे दी, तो ऐसे कैसे चलेगा? बोले ठीक है, बोले ठीक है युद्ध करते हैं। तो कांची का राजा बोलता अगर युद्ध में हम जीत गए तो तुम्हारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को यहाँ बंदी रख के, यहाँ बंदी करके रखेंगे यहाँ। तो प्रताप रुद्र बोलते हैं ठीक है अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी कन्या को तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, और कांची के गणेश उनके उनकी इष्ट देव से बोले तुम्हारे गणेश को बंदी करके मैं अपने जगन्नाथ में रखूंगा। तो हो गई भैया मेरे ये युद्ध की घोषणा होती है। तो बोले युद्ध अभी नहीं करेंगे, थोड़ा समय दो, समय के बाद युद्ध करेंगे। बोले समय दिया, तो बोले प्रताप रुद्र ने भी समय दिया। जब तक राजा को क्या हुआ है, कोई सपने नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, युद्ध की तैयारी हो गई, अभी युद्ध की तैयारी है। और युद्ध क्या होने वाला, भयानक युद्ध होने वाला है। परंतु क्या हो रहा है, कांची का राजा है वो सेना में बलवान है, बहुत सारी सेना है, और राजा प्रताप रुद्र के पास इतना कुछ नहीं है। तो लेके जाते हैं और परास्त जैसे ही होने लगते हैं, युद्ध चालू होता है और क्या हो रहे हैं ये, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो इनको ध्यान आता है कि जब मैं आ रहा था तो क्या किया था, जब भी वहाँ से आ रहे थे तो जो अपने हाथ की उंगली की अंगूठी थी वो जगन्नाथ को रख के आ गए थे, भगवान अब आपको देखना है। पर भगवान से ये नहीं बोला था कि भगवान आप देख लेना युद्ध है। तो फिर वहीं वो मन मन में भगवान को स्मरण, उन्होंने याद आया रे भाई जगन्नाथ को तो बोला ही नहीं, तो मन में स्मरण कर रहा है कि हे जगन्नाथ अब मेरी तो नैया डूब चुकी, अब आप बचा लो जैसे बचाना, नहीं तो आप बंदी हो जाओगी, मेरा तो जो होगा होगा देखा जाएगा। बोले भगवान मैं तो जेल में गया तो कोई बात नहीं, आप जेल में गए तो थू थू हो जाएगी पूरे संसार में, भाई जगन्नाथ बंदी हो गए। तो जगन्नाथ ने राजा से बोलते हैं देखो उल्टे सीधे काम तुम करते हो और फंसाते मुझे हो। बोले ठीक है चिंता मत करो, अगले दिन वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनको तैयार करो, जैसे भी लोग मिलें उनको तैयार करो, फौज तैयार करो और मैं देख लूँगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया। तो क्या होता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, जब वॉर का टाइम होता है, युद्ध होते हैं, तो क्या होता है किसी भी लोग को मिलिट्री में ले लेते हैं, चाहे वो इनकैपेबल हो कैपेबल हो कुछ नहीं, आओ ज़बरदस्ती आके युद्ध करना पड़ता। तो वो उत्कल क्षेत्र के जितने लोग थे वो तो उत्कल क्षेत्र के यानी आधी सी जनता कम हो गई, कांची पूर्ण का था, पर कांची के छोड़ के जो आसपास के इलाके थे प्रताप रुद्र सबको ले आते हैं। और अब होता है अगले दिन का युद्ध चालू। जब युद्ध चालू हो रहा है तो राजा बोल रहे हैं भाई आज मारा गया तो आज तो गए काम से। तो धीरे धीरे करके देख रहे हैं तो फिर से इनकी क्या जनता ख़त्म होने लगी, तो फिर से इनको टेंशन, अब क्या करें। तो देखते हैं कि थोड़ी दूर से धूल उड़ रही है, भयानक धूल उड़ रही है, और दो घोड़े आ रहे हैं। एक घोड़ा कौन है, काला घोड़े पे एक काला व्यक्ति सवार है, सफ़ेद घोड़े पे सफ़ेद घोड़े। अरे ये मंत्री तो हमारी सेना में नहीं थे, पर बोलते ठीक है जो भी है आओ युद्ध करो। युद्ध करना चालू करते हैं तो खचा खच ऐसे 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 जैसे पता कोई धनिया का पत्ता लेके चाकू से काट के बोला बारीक नहीं कर देता, कांची की राजा की सेना सब खत्म, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे करके और वो जाते हैं और
ख़त्म कर देते हैं। पर बीच में कुछ घटना होती है, जब ये दो सैनिक आ रहे हैं ना, तो बीच में कुछ घटना हो जाती है। जब ये उत्कल से ये दो सैनिक आ रहे हैं तो उनको प्यास लगती है रास्ते में, तो वे एक बूढ़ी माता बैठी रहती हैं, तो वो छाछ देती हैं इनको पीने के लिए। तो छाछ पी ली, खूब डकार मार के, खूब बिल्कुल भर के पेट छाछ पी ली। अब पैसे देने का टाइम आया, तो बोले पैसे दो। बोले पैसे हमारे पास तो नहीं है। तो बोले बिना पैसे के जाने नहीं देंगे। बोले ठीक है, हम युद्ध करने हमारे राजा के लिए जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे, राजा आपको जो चाहिए वो दे देंगे। बोले नहीं, विश्वास नहीं। बोले आपकी हाथ में अंगूठियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। बोले इनको गिरवी रख जाओ, और जब आएंगे तो मुझे मेरे 2 रुपये दे देना, जितने का आपने छाछ पिया है। तो बोले भाई ये अंगूठी मेरी तो कीमती है, इनको क्यों ले रही हो? बोले नहीं, गिरवी रख, ये नहीं रखोगे छोड़ेंगे नहीं। तो रख लेती हैं और वो छोड़ देती हैं। तो चले जाते हैं दोनों सोने के, आते हैं, तो ये युद्ध जीत गए, सब कुछ हो गया। तो अब क्या किया, युद्ध जब जीत गए तो क्या किया, राजा की कन्या इनके साथ आ रही हैं और गणेश जी को बंदी बना के लेके आ रहे हैं प्रताप रुद्र राजा। तो जब रास्ते से वापस जा रहे हैं तो वही अम्मा मिल जाती हैं फिर से। बोले राजा स्टॉप प्लीज। तो राजा बोले भाई क्यों रोका क्यों? बोले आपके 2 सैनिक आए थे, बोले ये अंगूठी रख गए और मुझे 2 रुपये दे दो। अरे बोले यार इतनी कीमती अंगूठी रख लो ना, तुम टेंशन क्या है 2 रुपये की? बोले नहीं, मुझे अंगूठी की टेंशन है, मुझे 2 रुपये लो, अंगूठी ले जाओ। तो बोले अंगूठी कौन सी है बताओ। तो वो अंगूठी बताते हैं। तो राजा बोलते ये अंगूठी तो वही अंगूठी थी जो जिससे रोका हुआ था, पूरे तुम्हें जगन्नाथ के पास रखे गया था। तो राजा को क्या आभास होता है, राजा को पता चल जाता है कि लड़ाई करने के लिए कौन आया था, स्वयं जगन्नाथ और बलदेव। तो जाते हैं, तो राजा को आते हैं, राजा उत्कल क्षेत्र में वापस आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ, मेरा कुछ भी साहस नहीं था। तो ऐसे करके सेटलमेंट हो जाता है और जो गणेश आए हैं उनको बंदी बना के रखा जाता है। तो आज भी हम जब मंदिर में जाएंगे तो कांची के गणेश हैं, है ना, हाँ बैक साइड में हैं, तो उनको इस प्रकार से ऐसे लाया गया है यहाँ पे। और फिर जब राजा कन्या को, तो अब राजकुमारी भी आ चुकी हैं यहाँ पे, शादी अभी नहीं हुई है। तो राजा बोलते हैं कि इसके पिता ने मुझसे क्या बोला था, भंगी से शादी नहीं करूँगा, अब इसकी मैं भंगी से ही शादी कराऊँगा, है ना, देखते हैं अब राजकुमारी की शादी किससे होगी। तो राजकुमारी टेंशन है, भाई मेरा क्या दोस्त, आपकी आपका झगड़ा, पापा का झगड़ा है मेरा, आप लेके आए तो मुझसे शादी करो। राजा बोलते हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा, आप तुम्हारी शादी किससे होगी, भंगी से, और कब होगी, रथ यात्रा के टाइम पे होगी, जब सारी जनता मौजूद रहेगी। तो ऐसा हो रहा, अब मंत्रियों को पता चल गया ये बात। मंत्री बोले यार इस कन्या का तो दोष नहीं है, क्या किया जाए, कुछ उपाय होना चाहिए इसको बचाने के लिए, पर राजा को सलाह नहीं दे सकते। राजा से बोल, क्योंकि राजा का सिर चढ़ा हुआ है, हैं कि इतना सब कुछ युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ एक छोटी सी चीज़ के पीछे, तो राजा से कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या, रथ यात्रा का टाइम आया, तो रथ यात्रा के टाइम पे क्या करते हैं राजा, झाड़ू लगाने के लिए राजा निकले, सारे मंत्रियों ने राजकुमारी को इशारा किया, जाओ माला लेके डाल दो गले में। तो राजकुमारी आती हैं और राजा के गले में माला डाल देती हैं। तो राजा फिर से क्रोध, इतना सब साहस मेरे गले में माला डाल दी। तो वहाँ पे सब लोग मौजूद हैं, तो मंत्री लोग बोलते हैं राजा आपने क्या बोला था, किसकी शादी किससे होगी, एक नंबर की भंगी से कराऊंगा, और आप अभी क्या हैं। तो राजा इस प्रकार से उस राजकुमारी को स्वीकार करते हैं और वो यहाँ आती हैं और रानी बन जाती हैं। इस प्रकार के जगन्नाथ की अनंत लीलाएं पर यहीं रुकते हैं, कभी और सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की श्रील प्रभुपाद की दाई गौर प्रेमानंदे। नमस्कार।